अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। बेसिकली हम अभी जा रहे हैं धर्मपुरा मार्केट में, और एक्वेरियम खाली दो दिन देख देख के जो है ना मैं तांगा आ गया हूँ। तो मैंने सोचा रात को ही जाते हैं, स्पेशल जाकर ना कोई फिश वगैरह पसंद करके आते हैं। बेशक अभी हमारी मर्जी की हमें फ़िश नहीं भी मिली ना, तो कोई और फिश जो है ना वो पसंद करके लेके आते हैं। तो गाइस हमने जो है वो फिशेस ले ली हैं, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की फिशेस जो हैं वो हमें मिली हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, अभी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। इंशाल्लाह घर जाके मैं जो आपको एक्वेरियम में डाल के दिखाता हूँ फिशेस। और फिशेस के लिए हमने खाना भी ले लिया है, ड्राइड जो है ना श्रिम्प्स भी लिए हैं, छोटे से जो होते हैं जो फिश के लिए अच्छी खुराक होती है, ज़रा उससे ज़रा फिश की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। और उनकी फीड भी ली है, नेट भी लिया है, कोई फिश हमें पकड़ नहीं पड़ जाए, निकाल नहीं पड़ जाए एक्वेरियम में से, तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह मैं घर पहुँच के जो है ना वो आपको दिखाता हूँ, तब तक जो है वो आप इंतज़ार करें। और मेरे से भी बेसिकली सब्र नहीं हो पा रहा कि मैं जो है ना फिशेस जल्दी से जो है ना अपने एक्वेरियम में डाल के देखूं कैसी लगती हैं। ले जी हमारी फिश पहुंच चुकी है, लेकिन अभी एक्वेरियम में हमने डाली नहीं, अभी पैकेट्स में थी जो है ना, ताकि एक्वेरियम के टेम्परेचर पे ये इसका भी टेम्परेचर आ जाए पानी का। तो अभी बीच में इसलिए नहीं ऐड की, और आपको अभी पैकेट्स में थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी कि किस तरह की फ़िश लेके आए हम। साथ ये जो है ना ये फूड लेके आए हैं हम फिश को डालने के लिए, ये श्रिम्प्स लेके आए हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए, ये साथ नेट लेके आए हैं फिश पकड़ने के लिए, और ये सी शेल्स और रॉक्स लेके आए हैं इसमें जो है ना वो सजाने के लिए अंदर, ताकि अंदर भरा भरा लगे हमारा एक्वेरियम। साथ ये जो है ना जब आप न्यू फिश डालते हैं तो फिश स्ट्रेस में ना रहें, उसके लिए ये मेडिसिन जो होती है वो आपने डालनी होती है, ताकि उनको कोई बीमारियाँ वगैरह ना लगें पानी चेंज होता है। तो ये जो है ना इसके अंदर 45 ड्रॉप्स डालने हैं, जितना बड़ा ये एक्वेरियम है ना इसमें 45 ड्रॉप्स डालने हैं इस दवाई के, और फिर जो है ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इन फ्यूचर जब कभी नई फिश लाया करेंगे ना, फिर तब हम ये सिर्फ दवाई डाला करेंगे, वैसे हम ये दवाई नहीं डालेंगे। जितनी देर ज़रा 10 मिनट लगेंगे इसको एक्लेमेटाइज होने में, उतनी देर जो है ना हम ज़रा नीचे रॉक्स वगैरह जो है और ये सी शेल्स जो हैं हम लेके आए हैं डेकोरेशन के लिए, ये सेट करते हैं और ये जो है ना दवाई डालते हैं इसमें। गाइस शेल्स और रॉक्स मैंने डाल दिए सारे एक्वेरियम में, अब दवाई डालने का टाइम आ गया। तो 45 ड्रॉप्स गिन के हमने पूरे डालने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 हो गए, 1 2 3 4 5। ले जी हमारे 45 ड्रॉप्स डाल चुके हैं, बाकी की दवाई हम इधर ही रख लेंगे सेव करके, हमें इन फ्यूचर काम आएगी। तो गाइस बेगम की मैं हेल्प ले रहा हूँ ये वीडियो बनाने में, और ये पहला पैकेट हम फिश का उलटने लगे, और ये जी फिश चलेगी सारी अंदर, और दूसरा पैकेट जो है ये देखें हमारा, इसको भी हमने ओपन कर लिया है, इसको भी उल्टा देते हैं बीच में। चलो तो गाइस ये देखें हमने जो है वो 4 पे लिए हैं ये फ्लोरेसेंट फिश के, जिसमें से 2 ग्रीन हैं, 2 येलो हैं, 2 ये पिंक से हैं, 2 गोल्डन से कलर के हैं ये फ्लोरेसेंट फिश। 2 पेयर लिए हैं हमने ये जो लाइन हेड गोल्ड फिश के, और 1 पेयर लिया हमने ये शार्क का, ये चेक करें शार्क कैसे घूम रही नीचे, अभी ये सारा एक्सप्लोर करें। 2 गोल्ड फिश वो देखें आपको पीछे नज़र आ रही हैं। अभी एक मसला जो हमारे साथ हुआ है करंटली वो ये है कि ब्लू लाइट जो है ना वो भाई ने ज़्यादा लगाई हुई है, जिसकी वजह से इतनी क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है इस फिश टैंक के साथ, जो ये ब्लू लाइट्स ऊपर आपको नज़र आ रही है ना, इनमें से जो आधी है ना वो हम वाइट करा देंगे,
और फिर जो है ना फिश की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमारे पास गोल्ड फिश आ गई हैं, ये फ्लोरोसेंट वाली फिश आ गई हैं, शार्क आ गई हैं। एक पेयर जो हमने लिया है वो लिया है हमने ये प्लेटिनम कलर की जो है वो एंजल फिश है, वाइट कलर की लगेगी आपको देखने में, तो वो लिया। तो एक एंजल फिश यहाँ पे घूम रही है, दूसरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वो भी यहीं कहीं होगी। तो अब थोड़ा सा जो है ना हमारा एक्वेरियम में फिशेस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ज़्यादा होती जाएंगी आने वाले कुछ ब्लॉग्स में। देखें जी जावियर फिश के साथ काफ़ी इंजॉय करा, ये वाली देखें लाइन हेड हमारी गोल्ड फिश आगे आ गई है। ये दूसरी एंजल फिश भी हमें नज़र आ गई है, ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे गई हुई थी और एक वो नीचे फेर रही है। सबसे प्यारी जो है ना ये फ्लोरोसेंट वाली फिश लग रही है, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड लगवाया और ये नियॉन कलर्स में है तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और आप ये शार्क की स्पीड देखें, ये बहुत स्पीड से एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रही है और अभी फ़िलहाल इस साइड पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफ़ी स्पीड से ये जाती है, इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड है मूव करने की। एकदम से इसको कुछ होता है, ऐसे जूम करती जाती है उधर। नहीं काटेगी नहीं बेटे आपको, वो फिश टैंक के अंदर है। स्पीड देख रहे हैं आप इस चार की। और बाकी जो है अभी थोड़ा खाली खाली लग रहा है एक्वेरियम, लेकिन इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता और फिशेस लेके आएंगे और इसको काफ़ी जो है ना हम फिल अप कर देंगे एक्वेरियम को। अभी इसके अंदर जो नेक्स्ट फिश मुझे कोई अच्छी जैपनीज कॉय मिली दो तीन पेयर, तो वो मैं ला के रखूँगा। और फ्लोरोसेंट वाली मेरा दिल कर रहा है कि और लेके आऊँ कोई, ये ज़्यादा सारी होनी चाहिए फिर प्यारी लगेंगी ज़्यादा। तो ये देखें कितने मज़े के कलर्स हैं इनके। सुबह हो चुकी है, अभी तक जो है मेरी सारी फिशेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और दाना इनको जो है ना वो इनको डालने लगे हैं। हम इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है ना फीड डालनी है और ट्राई करनी है कि जो है ना इनको आदत पड़े किसी एक टाइम पे फीड खाने की। और अभी जो है ना ये दाना डाल के चले जाते हैं हम, अगर तो ये खा लेते हैं इतना दाना तो अगली बारी थोड़ा इंक्रीज़ करके देखेंगे, वरना जो है ना ये देखें फिशेस आ रही हैं ऊपर दाना खाने के लिए। इसने एक दाना इसने खाया, ये देखें ये वाली भी ग्रीन वाली भी फेर रही है दाना, जो बीच में घूम रहा है वो खा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको आदत पड़ जाएगी, लेकिन ओवर फीडिंग नहीं करनी फिश की, क्योंकि वो जो है ना फिर इनके लिए नुकसानदेह होती है और ये फिर जल्दी मर जाती है। तो हम कोशिश किया करेंगे कि थोड़ा ही दाना डालें इनको, बेशक दिन में दो तीन बारी डाल दें लेकिन कम दाना डालें। ठीक है, अब ऊपर चल के हम अपने बाकी जानवरों को जो है ना दाना पानी डालते हैं। तो गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, चिखें फ्लक्सें सारी ऊपर कर दिए हैं, हमने अपने पिजन्स को और मोरों को दाना भी डाल दिया। हमारे मोर ने थोड़ा सा खाया, उसके बाद वो धूप सेक रहा है। और अब मुर्गियों का दाना भी हम सारा जो है ना भर के ले आए हैं और इनको जो है ना डालना स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये भी देखना है कि हमारी ब्राह्मा ने, कल तक तीन चिक्स थे, रात को जब मैं आया था चिखें बंद करने तब तक जो है ना वो चार हो चुके हुए थे। अब देखते हैं वो चार से नंबर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। और हम जो हैं हाँ भी बंटी पब्लिक थोड़ा खाते हैं, इनके लिए इतना बहुत है, छोटी मुर्गी है ना असल में। इस दफा तुम्हें कुड़कपन से छुट्टी है भाई, इसका कल भी अंडा आया था और वो हमने इनक्यूबेटर में रख दिया हुआ है। बंटी पहले तुम अपनी बदमाशियां कर लो, उसके बाद के काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई ब्लैक सिल्क की कहती हो। Thank you.
चलो भाई। इंजॉय करो। इन मुर्गियों को भी जो है ना हमने दाना अंदर डाल दिया, ये बाहर जो है ना वो कैल्शियम खाने में बिजी हैं जो हमने चूरा पूरा नीचे करके फेंका हुआ अंडों का। चलो अंदर चल के खाना खाओ। चलो फिर इस मुर्गी ने रो दिए, ड्रामेबाजियां स्टार्ट कर दी है ना, तो दौड़ जाती है फुल स्पीड में। चलो अंदर चल के दाना खाओ ना, दाना तुम्हारे फायदे की बात ही है भाई। बाहर रहोगे अंदर सारे अच्छे श्रिम्स ड्राइव हम सब खा जाएंगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं कितने चूजे निकले हैं अभी तक हमारे ब्राह्मा के नीचे। ये देखें जी गाइस, जरा उठ के दिखाओ ना हमें। माशाल्लाह 5 चूजे हो चुके हैं। इसको क्या हुआ है, ये क्यों नहीं निकल पा रहा? ये मुझे लगता है अंदर ही फोत हो गया है। ठंडा हो चुका हुआ ये बिल्कुल। इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखा ना, इसका सारा शेल क्रैक हो चुका हुआ है लेकिन उससे वो झिल्ली नहीं फटी तो वो अंदर ही मर गया मेरे ख्याल से चूजा। दाना आपको जो है ना हम अंदर ही डाल देते क्योंकि आपने चूजे तो भी लेके बाहर निकलना नहीं है, और चूजों को ना एक एक करके हम पकड़ के ना पानी यहाँ से पिला देते हैं। अभी भी पिला देंगे, शाम को भी पिला देंगे तो इनका काम हो जाना चल जाएगा। और बाकी के अंडे देखते हैं कि क्या बनता है। चलो बैठ जाओ बाकी के अंडों पे हैं। तो गाइस ये देखें, 5-6 चूजों को मैंने ना पानी पिला दिया यहाँ से। इनकी माँ अब थोड़ा बाहर घूम फिर रही है, थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर आ जाएगी। इनको अंदर रखने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अगर चूजे मैंने बाहर छोड़ दिए ना फिर माँ ने चूजों के साथ साथ फिरना है और इन बाकी के अंडों पे नहीं बैठेगी, और जो चांस थोड़े बहुत है भी कि इनमें से कोई 6 अंडों में से बच्चे निकलें वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ज़रा माँ को बाहर ज़रा घूम फिर लेने देते हैं, वो काफ़ी देर से अंदर बैठी हुई थी, वो वॉशरूम वगैरह कर लेगी और ज़रा नहा नहू लेगी ज़रा गंद में और ज़रा मुंह इधर उधर मार लेगी, उसके बाद वापस ये खुद ही अंदर चले जाएगी। तो माशाल्लाह से 5 चिक्स तो निकले हैं, और जो दूसरा था एक अंडा वो डेड इन शेल था, वो मैंने चेक किया और वो अंदर ही मर गया था। उसे बेसिकली शेल तोड़ा नहीं गया, और शेल तो टूट गया लेकिन उसके अंदर वाला कवर उसे टूटा नहीं, तो जिसकी वजह से जो है ना उसकी फिर उधर ही डेथ हो गई अंदर ही। तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।